2019 में सैमसंग की तरफ से काफी सारे फोन में आपको बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि सैमसंग ने काफी सारी सीरीज को लॉन्च किया है। जैसे कि आपको पता है सैमसंग की एक एम सीरीज आई थी और एक सैमसंग की एस सीरीज आई थी और एक सैमसंग की ए सीरीज भी आई है। तीनों ही सीरीज बहुत ही कमाल की सीरीज है। वैसे मैं आपको बताऊं कि सैमसंग की जो एम सीरीज थी उसमें सैमसंग का M10 और M20 और M30 आए थे, काफी अच्छे फोन थे और बजट में भी फोन थे। वैसे हमने उस पर एक वीडियो बनाई है, अगर आप सैमसंग के M30 को लेकर के इंटरेस्टेड है तो जाकर के एक बार वीडियो को जरूर से देख लें, उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा, एक बार जाकर के इस वीडियो को जरूर से देख लें। एस सीरीज की बात करें तो उसमें आपको हाई लेवल के फोन देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा महंगे फोन देखने को मिलते हैं। वैसे उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी सैमसंग के S10 और S10 प्लस और S10e को लेकर के, काफी ज्यादा अच्छे फोन है बट लेकिन महंगे भी फोन है, हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सैमसंग की तरफ से एक और नई सीरीज जिसका नाम है ए सीरीज, इसमें दो फोन पहले से ही लॉन्च किए जा चुके हैं, एक सैमसंग का A30 और सैमसंग का A50। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के A60 को लेकर के, बहुत ही अच्छा फोन होने वाला है। अगर आप भी इंटरेस्टिंग हैं सैमसंग के A60 को लेकर के तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, सैमसंग की तरफ से A60 आने वाला है फोन और ये कंफर्म हो गया है, ये आपको अप्रैल के महीने में आपको 19th ऑफ अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। तो आइए हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। बात करूं इसके डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच की Infinity-U नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। ये डिस्प्ले आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। Samsung का A50 आया था उसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिली थी, लेकिन Samsung के A60 में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। हम लोग Samsung की RAM और ROM के बारे में तो मैं आपको ये बता दूं कि Samsung का ये फोन दो वेरिएंट में लॉन्च होगा, एक तो आपका आएगा 6GB जो कि आएगा 128GB के साथ, एक और आपका आएगा 8GB जो कि आएगा आपका 128GB के साथ। दोनों ही फोन्स में आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर आप इधर नए आ गए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी को बजा डालो। बात करते हैं Samsung के A60 की बैटरी के बारे में तो मैं आपको ये बता दूं कि Samsung के A60 में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। वैसे मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी कि जितने भी फोन्स आ रहे हैं उनमें सारे फोन्स में फास्ट चार्जिंग तो आ ही रही है, मेरा तरफ से एक मानना ये भी था कि सारे फोन्स में भी ना कि टाइप सी पोर्ट भी आए, और ये अब हो रहा है क्योंकि टाइप सी पोर्ट्स इट्स अ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपके फोन को ये फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देता है और काफी अच्छा भी होता है क्योंकि सारे पिन्स इसमें लग जाते हैं ना कि। तो टाइप सी को लेकर के आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बिकॉज अटेंडेंस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और फेस अनलॉक भी मिल जाएगा, दोनों ही इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सैमसंग के A60 के प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे पहली बार सैमसंग के किसी फोन में आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 675 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको पता है अच्छी तरीके से क्योंकि सैमसंग के जितने भी फोन इंडिया में आते हैं वो सारे के सारे एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ आते हैं, ये पहला ऐसा फोन होगा जो आपको क्वालकॉम के साथ मिलेगा जो कि 675 के साथ आएगा। हम लोग इसके हाईलाइट फीचर्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ इसके कैमरे को लेकर के, तो इसमें आपको तीन कैमरे आपको बैक में देखने को मिलने वाले हैं और एक कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिलने वाला है, मतलब चार कैमरे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके बैक कैमरे को लेकर के, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का और प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे बैक कैमरा देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपको
32 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि Vivo का V15 Pro आया था और Oppo का F11 Pro आया था, उसमें भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था और इस फोन में भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। मतलब कह सकते हैं आप इस फोन में काफी अच्छा कैमरा दिया गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कैमरे को लेकर के बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया ये लॉन्च आपको 19th ऑफ अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। प्राइस की बात करूं तो ये कंफर्म है, ये आपको 17,990 रुपए में देखने को मिलेगा 6GB वाला वेरिएंट। अगर ये बात करें 8GB वाले वेरिएंट की तो वही 20,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। 20,000 रुपए में अगर आपको 8GB वाला मिलता है और 17,000 रुपए में आपको 6GB वाला मिलता है तो ये फोन कमाल फोन होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है ये फोन आपका Redmi के Note 7 Pro को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि Redmi का Note 7 जो Pro आता है वो आपका आता है 15,000 रुपए के प्राइस में और ये आपको देखने को मिलेगा 17,000 रुपए के प्राइस में। काफी और भी फीचर्स में एडवांस दिए गए, जैसे कि आपको पता है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में और Redmi Note 7 फोन के बारे में, दोनों में से आपकी साइड से कौन विनर है बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। बिकॉज आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि आप लोग क्या सोचते हैं सैमसंग के बारे में और Redmi के Note 7 के बारे में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो और साथ में घंटी को बजा डालो, क्योंकि इससे ही मिलने वाली है आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे नए नए मोबाइल से रिलेटेड जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।